सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई, जिसमें कैप्टन सरकार की उपलब्धि, विजन और लक्ष्य को सदन के सामने रखा गया। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके चलते वो सत्तारूढ़ दल के निशाने पर है। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर के अभिभाषण के साथ हुई। हालांकि इस दौरान प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने हंगामा शुरू कर दिया और कैप्टन सरकार को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए नेता प्रतिपक्ष सुखपाल सिंह खैरा की अगुवाई में आप विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन से वॉकआउट करने पर जब सुखपाल खैरा से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण में कैप्टन सरकार के झूठ का पुलिंदा था, इसलिए उन्होंने सदन से बाहर जाना ही सही समझा। असी ना झूठ नहीं सुनना है। आ जिहड़ा गवर्नर दा भाषण है, इस दहाकियां तो अकालियां दी सरकार, फलाने दी सरकार, उही वैदे, उही लफ्ज, अंग्रेजी च कहिंदे ने जगलरी ऑफ वर्ड्स। इहदे च लोकां लई कुछ नहीं गा। किसान मर रहा, आत्महत्या कर रहा, खेत मजदूर मर रहा, उहदे लई कुछ नहीं गा। साडे नौजवान बच्चे लखां दी तादाद विच विदेशां जा रहे, इहनां दी नलायकी करके। डॉक्टर, इंजीनियर, मैं कहना टीचर्स, जिहड़े जिन्हां नूं इत्थे रह साडा बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स माइग्रेट कर गया, इत्थे कोई जॉब्स नहीं है। पर गवर्नमेंट कहिंदी आ हर घर नौकरी दे चुके हैं, कैंपस प्लेसमेंट्स। हालांकि सदन से वॉकआउट करने पर आम आदमी पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी भी सामने आई। आम आदमी पार्टी के दो विधायक वॉकआउट के बाद भी सदन में बैठे रहे, जिस पर सुखपाल खैरा ने उनके खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के उन विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर काम किया। उस ना गल है कि कल असी स्ट्रैटेजी बनाई है, फ्लोर स्ट्रैटेजी। सारे आम आदमी पार्टी विधानकार पार्टी की सारी मीटिंग हुई है, उत्थे तो आए नहीं जनाब यह, तो हुण आण के अपनी अलहदा लाइन टो कर रहे हैं। दिस सॉर्ट ऑफ इनडिसिप्लिन विल नॉट बी टॉलरेट। उधर बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा करने और सदन से वॉकआउट करने पर आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ के निशाने पर आ गई है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों को गैर जिम्मेदार बताया है। डिसरिस्पेक्ट टू द हेड ऑफ द स्टेट। आना चाहिंदा सी, सुनना चाहिंदा सी, बाद च बथेरा टाइम है लड़न नू। वहीं कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और तृप्त रविंदर बाजवा ने भी आम आदमी पार्टी के राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन से वॉकआउट करने को गैर जिम्मेदाराना रवैया करार दिया और इस कदम को लेकर आम आदमी पार्टी की आलोचना की। उन्होंने जिहड़ा गवर्नर साहब के भाषण से एड्रैस से वॉकआउट किया, मैं समझा ना समझी है, और गवर्नर साहब की जो शख्सियत है वो सारे वास्ते एक ही होंगी है। उन्होंने सुनना चाहिए सी, और मैनू तो लगता इन बंद अजे इस बारे पता ही नहीं है गवर्नर नूं सुनना कि नहीं सुनना। देखो, गवर्नर डैस से वॉकआउट करना पार्टियां करना शुरू करता है, अनफॉर्चुनेट गल है। गवर्नर साहब सब के सांझे होंगे, उस दिन सरकार की पॉलिसी होनी होंगी है, तो पॉलिसी सुन के वो जिन्ना मर्जी क्रिटिसाइज कर। गवर्नर साहब को बाइकट करना मेरी सोच मुताबिक गलत है, भावें मेरी पार्टी है भावें कोई पार्टी है, जिहड़ी मैं इस गल नूं पसंद नहीं करता। इससे पहले राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर के अभिभाषण में अवैध रेत खनन, किसान आत्महत्या और पराली निस्तारण की बात थी। वहीं दोपहर बाद दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दीपा शर्मा, एमएचआर न्यूज, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होते ही प्रदेश की दो विपक्षी पार्टी श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के नेताओं ने सदन के बाहर कैप्टन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। दोनों पार्टियों के नेताओं ने सड़क पर उतरकर न सिर्फ प्रदर्शन किया, साथ ही विधानसभा के घेराव की कोशिश भी की। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को विधानसभा जाने से पहले ही रोक लिया। इसके पहले दोनों पार्टियों के विधायकों ने रैली कर कैप्टन सरकार पर जमकर सियासी तीर चलाए।
एक तरफ मंगलवार को पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई तो वहीं विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी नेताओं ने कैप्टन सरकार के खिलाफ सदन से बाहर मोर्चा खोला। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और बीजेपी अध्यक्ष विजय सापला की अगुवाई में अकाली बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के घेराव की कोशिश की। हालांकि विधानसभा पहुंचने से पहले सुखबीर बादल, विक्रम सिंह मजीठिया, परमिंदर सिंह ढींडसा और विजय सापला समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से छोड़ी गई पानी की बौछारों से पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सापला चोटिल हो गए हैं। सापला की आंखों पर चोट आई है। विजय सापला को आंखों से धुंधला दिखाई पड़ रहा है, इसी के साथ उनकी बाईं आंख में ज्यादा चोटें आई हैं। वहीं कार्यकर्ताओं की भीड़ छटने के बाद हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ दिया गया। अकाली बीजेपी नेताओं का आरोप है कि जिन वादों और दावों के बल पर कांग्रेस सत्ता में आई है, सत्ता मिलते ही वो उन वादों को भूल गई है। श्रोमणी अकाली दल बीजेपी बहादुर वर्कर ते आम जनता आई सुती हुई सरकार में जगाने वास्ते। आज जी सरकार है इन्हें पंजाबियों के पिछले शुरा मारिया ते आज का कट सबूत करता है कि लोग इन्नी दुखी हैं। अगे पार्टी की कोर कमेटी डिसाइड। देखिए जनता के साथ जो सबजबाग दिखाए गए, झूठे मन लुभावने वादे किए गए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया, ना किसानों के लिए, ना दलितों के प्रति, ना नौकरी पेशाओं के लिए, ना युवाओं के लिए। पंजाब विधानसभा के घेराव की कोशिश से पहले शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में पोल खोल रैली की। इस रैली में दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए दोनों पार्टियों के नेताओं ने कैप्टन सरकार के एक साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए और किसान, रोजगार, माइनिंग, नशाखोरी समेत कई मुद्दों को लेकर कैप्टन सरकार पर निशाना भी साधा। सरकारां बढ़ियां वेखियां, लेकिन जिस तरह मनिंदर सिंह एदी सरकार ने वादे करके मुकरे हन, मेरा ख्याल हिंदुस्तान दी सरकार दूजिया भी सूबे दी सरकार है कोई नहीं मुकरे। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। दोनों पार्टियों की रणनीति बजट सत्र में कैप्टन सरकार को सदन के अंदर और बाहर घेरने की है और इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए सड़क पर उतरकर कैप्टन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सदन के अंदर दोनों पार्टियों के विधायक कैप्टन सरकार का किस तरह घेराव करते हैं। रोहित चौधरी के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन आवर वीडियो फॉर बेस्ट अपडेट्स।